नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। कल हमने देखा कि आज से हमको मध्य प्रदेश का भूगोल प्रारंभ करना है, तो भूगोल को एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हुए हम चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। भूगोल में कुछ चीज़ें हमको जो है मध्य प्रदेश के भूगोल को याद करने की अपेक्षा अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको सहायता मिलेगी। मैंने आपको कहा था मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमको दो या तीन मैप याद करने पड़ेंगे। तो पहला मैप तो कौन सा था? जिलों का, जिसमें आपको ये पता हो कि भाई कौन सा ज़िला कहाँ पर है। दूसरा जो आपका मैप रहेगा वो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल मैप रहेगा, या जिसको हम फिजिकल मैप भी कहते हैं। अगर हम देखें तो जैसे हमने प्रशासनिक दृष्टि से अपने मध्य प्रदेश राज्य में अलग अलग ज़िले बनाए हैं, वैसे ही अगर हम बात करें तो भाई आपका जब भौतिक संरचना के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है। आप जाएंगे दक्षिण में मध्य प्रदेश के तो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, अगर हम जाएंगे आपका पूर्वी क्षेत्र में तो आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी, मालवा वाले क्षेत्र में आएंगे तो काली मिट्टी देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण किससे हुआ है? आपका अलग अलग तरीकों से हुआ है। और अगर हम इस निर्माण को समझ गए कि भाई काली मिट्टी कहाँ मिलेगी या लाल मिट्टी क्यों मिल रही है, है ना, सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर उससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे हमने प्रशासनिक विभाजन किया था वैसे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का हम भौतिक विभाजन करते हैं। भौतिक विभाजन मतलब उसके निर्माण या उसकी बनावट, उसकी प्रकृति के हिसाब से अगर हम बात करें जब मध्य प्रदेश को बांटेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कहेंगे या फिजिकल डिवीज़न कहेंगे, डिवाइडेशन कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश देखने हैं, मध्य प्रदेश के फिजिकल रीजन देखने हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के फिजिकल रीजन को हम जो हैं वो तीन ग्रुप में बांटते हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, जिसको कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल रेंज, और तीसरा हो जाएगा बघेलखंड का पठार। तो ये तीन ग्रुप ध्यान रखना, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल रेंज और तीसरा हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अब इस मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इसके अंडर में कुछ आपके अलग से भौतिक प्रदेश आते हैं। जैसे अगर हम बात करें मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत एक आएगा कौन सा? मालवा का पठार। दूसरा आएगा मध्य भारत का पठार। अब ये चीज़ ध्यान रखना, मध्य भारत किसके अंडर में आता है? मध्य उच्च प्रदेश के अंडर में आता है। ठीक, तीसरा कौन सा होगा? नर्मदा सोन घाटी। चौथा रीवा पन्ना का पठार, और पांचवा होगा बुंदेलखंड का पठार। ठीक, रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्यन कगार के नाम से भी जानते हैं, विंध्यन टंच के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए तो पहले तो ये आप जो है फ्लोचार्ट देख लेना कि भाई तीन हमारे ग्रुप हैं, उस तीन ग्रुप में मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल रेंज, बघेलखंड का पठार है, और मध्य उच्च प्रदेश को हमने वापस बांटा हुआ है आपका पांच भागों में, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अगर आप इस प्रकार देखेंगे तो तीन समूह में हमारे यहाँ टोटल सात भौतिक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि ये तो एक समूह हो गया, इसके अधीन कितने हैं? पाँच, और अलग से आपके कौन से हो गए? दो। तो टोटल कितने प्रदेश हो गए? सात भौतिक प्रदेश हो गए। अब इन सात भौतिक प्रदेशों की क्या देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, कहां कहां पर कौन कौन सा है। ठीक, तो एक मैप बना लीजिएगा मध्य प्रदेश का, और उस मैप में हम जो है इन सब चीज़ों को आपका देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए तो मध्य प्रदेश के अगर हम मैप में बात करें, हमको देखना है कौन सा फिजिकल रीजन या कौन सा भौतिक प्रदेश जो है वो कहां पर है। ठीक, चलिए अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, पहले मैं मैप बना देता हूं, फिर आप जो है उसके बाद आपको समझ में आएगा कहां पर हमको देखना है। ठीक, चलिए
तो लगभग इस प्रकार का जो है आपको भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ऐसे आपके जो है पार्ट्स हैं। अब समझिएगा कहाँ पर कौन कौन सा है। अगर हम बात करें तो ये जो आपको सबसे बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मालवा के नाम से जानते हैं। ये कौन सा पठार हो जाएगा? आपका मालवा का पठार। ठीक, तो इसको किस नाम से जानेंगे हम? आपका मालवा का पठार। देखो, पहले हम देखते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश हमने देखा, और मध्य उच्च प्रदेश में अगर हम बात करें तो आपका जो है वो कितने प्रदेश हमने देखे? पांच। उसमें कौन कौन सा देखा? एक तो मध्य भारत, दूसरा देखा आपका मालवा, तो मालवा हमने देख लिया। ठीक, मध्य भारत कौन सा हो जाएगा भाई? अगर हम बात करें, ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये कौन सा हो गया आपका? मध्य भारत का पठार। ठीक, सेंट्रल इंडिया प्लेटू जिसको कहा जाता है, तो मध्य भारत का पठार हो गया। तीसरा हमने देखा था नर्मदा सोन घाटी, तो ये क्या हो जाएगा भाई? आपका नर्मदा सोन घाटी, क्योंकि यहीं से नर्मदा नदी भी बहती है, तो नर्मदा सोन घाटी हो गया तीसरा। चौथा अगर हम बात करें तो हमने देखा था रीवा पन्ना का पठार, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सा पठार हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार। और पांचवा हमने देखा था कौन सा? बुंदेलखंड, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? बुंदेलखंड। ठीक, तो ये पांचों जो रीजन है वो किसके हो जाएंगे अगर हम बात करें? मध्य उच्च प्रदेश के हो जाएंगे, सेंट्रल हाईलैंड के हो जाएंगे। इसके बाद अब जो दो क्षेत्र बचते हैं आपके अलग से, उसमें कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया? सतपुड़ा मैकाल रेंज। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका अगला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएंगे भाई? आपके टोटल सात भौतिक प्रदेश हो जाएंगे। कौन कौन सा? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, ये मध्य उच्च प्रदेश के हो गए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और अगला कौन सा हो जाएगा आपका? बघेलखंड हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब इनका कुछ प्रतिशत भी होगा, तो उस प्रतिशत को यहीं पर याद कर लीजिएगा कि जैसे अगर हम बात करें तो जो मालवा का पठार है वो ध्यान रखिएगा, मालवा का पठार जो है वो लगभग 28% भाग पर फैला हुआ है। अगर आपको मध्य प्रदेश का एरिया याद है तो आप 28% उसका निकाल कर लगभग कितना क्षेत्रफल होगा वो आप देख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी, जो लगभग 26% भाग पर क्या है आपका? फैला हुआ है। तीसरा जो आपका बड़ा प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा मैकाल रेंज, जो लगभग आपका 11% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद अगला हो जाएगा मध्य भारत का पठार, जो लगभग 10.69% है, जिसको हम लिख सकते हैं कि लगभग आपका 10.7% भाग पर जो है वो आपका फैला हुआ है। इसके बाद अगला हो जाएगा रीवा पन्ना, जो लगभग 10.37% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया, जो लगभग 7.7% भाग पर फैला हुआ है। और इसके बाद बघेलखंड हो गया, जो कितने में फैला हुआ है आपका? 7% पर फैला हुआ है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के जो फिजिकल डिविजन्स की बात करें या फिजिकल रीजन्स की बात करें, तो इसको जब हम क्रमबद्ध देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मालवा, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी, उसके बाद सतपुड़ा मैकाल, चौथा हो गया मध्य भारत, पांचवा हो गया रीवा पन्ना, छठवा हो गया बुंदेलखंड, और अंतिम कौन सा हो जाएगा आपका? बघेलखंड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्रम भी आ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को क्षेत्रफल के अनुसार जमाइए, या क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो भाई ध्यान रखना, मालवा, नर्मदा सोन, सतपुड़ा मैकाल, मध्य भारत, बुंदेलखंड, सॉरी मध्य भारत के बाद रीवा पन्ना, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड। ठीक, तो ये मैप बना लो, और इसको बाद फिर हम उसको आगे समझते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी। अब देखिए, मैप अगर आपके पास रहेगा तो आपको लगभग डायरेक्शन पता है ना, कि भाई ऊपर क्या होता है आपका? नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया? साउथ, यहाँ पर हो गया ईस्ट, यहाँ पर हो गया आपका वेस्ट, और भाई यहाँ पर अगर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो साउथ ईस्ट हो गया। ठीक, साउथ और वेस्ट के बगल में साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ और वेस्ट के बगल में नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब समझिएगा कि यहाँ से अगर आपने इस मैप को बनाया है, जब हमने इसके पहले जो फ्लो चार्ट पढ़ा था वहाँ पर केवल नाम पढ़ा, तो वहाँ से केवल आपको नाम समझ में आए, लेकिन जब हम इस मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन देखनी
है ना, कि अगर भाई आपसे पूछे कि भाई मालवा का पठार कहाँ है तो आपको देखिए पश्चिम में है, और पूछे कि भाई मालवा के पठार के पूर्व में क्या है तो भाई रीवा पन्ना का पठार है, मालवा के पठार के दक्षिण में क्या है नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में क्या है सतपुड़ा मैकाल रेंज है। तो आप क्या कर सकें भाई, लगभग ये चीज़ें बता सकें कि भाई अगर हम बघेलखंड की बात करें तो उसके पश्चिम में हमको जो है वो नर्मदा सोन घाटी और उत्तर पश्चिम में हमको जो है वो रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलेगा। तो इस मैप को हमको याद रखना है। और देखिए जब इसमें आप जिलों का मैप ओवरलैप करेंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंदौर किस क्षेत्र में आता होगा तो मालवा में, होशंगाबाद किस में आता होगा ठीक, अगर मैं पूछूं कि भाई श्योपुर किस में आता होगा मध्य भारत के पठार में, भोपाल किस में आता होगा ठीक, चलिए तो कहीं ना कहीं से अगर आपको जिलों की लोकेशन याद है तो आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है वो आपके किस फिजिकल रीजन में आता है। तो आपको जिलों को याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। कुछ जिले ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक भौतिक प्रदेश में आएंगे, जो लगभग बॉर्डर्स में होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को भी हम क्या रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। चलिए तो इस मैप को बना लिया सभी ने, बढ़े आपका आगे। चलो अब अगर हम बात करें आगे तो एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। ये वही मैप है लेकिन मैंने आपको बनवाया है ताकि आपको चीज़ें याद रहें ठीक। चलिए तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। हमने देखा कि अधिकतर भाग जो है वो किसका है, आपका मध्य उच्च भूमि का है, सेंट्रल हाईलैंड का है। सेंट्रल हाईलैंड के अधीन हमने देखा कि भाई आपके जो है वो क्या आए हैं, पाँच फिजिकल स्टेट आए हैं, फिजिकल रीजन्स आए हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है तो भाई आपका उच्च भूमि वाला हिस्सा है। मतलब मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में अगर हम बात करें तो क्या पाई जाती है भाई, आपकी उच्च भूमि पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। विभाजन के पहले अगर हम बात करें, अभी कितने फिजिकल रीजन है, सात है। अगर पूछा जाए विभाजन के पहले मध्य प्रदेश में कुल कितने भौतिक प्रदेश थे भाई, तो नौ थे, और वर्तमान में कितने हैं, सात ठीक। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, पांच के साथ, और अगर हम बात करें विभाजन के पहले सात के साथ ठीक। वर्तमान में अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्वी, सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो वो कौन सा है, सिंगरौली, और अगर हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो जशपुर ठीक। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना। तो भाई क्या थे आपके टोटल, अगर हम बात करें नौ भौतिक प्रदेश थे, जिसमें से दो आपके किस में चले गए भाई, आपका छत्तीसगढ़ में चले गए, और दो कौन कौन से चले गए तो भाई ध्यान रखिएगा, महानदी बेसिन और दूसरा कौन सा भाई, आपका दंडकारण्य ठीक। तो ये दो बेसिन आप ध्यान रखिएगा कि भाई आपका दो फिजिकल रीजन, एक कौन सा, महानदी बेसिन, और दूसरा अगर हम बात करें तो भाई आपका दंडकारण्य जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आपका छत्तीसगढ़ में ठीक। यहाँ पर पढ़ते हुए चलिए, बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश में जो आपके सात बच्चे, उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तीन हमने आपके जो है भागों में उसको डिवाइड किया है, सेंट्रल हाईलैंड में, सतपुड़ा मैकाल रेंज में, और बघेलखंड के पठार में। अब हम एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं ठीक। अब यहाँ पर पढ़ने का तरीका हम देख लेते हैं कैसे पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आप जो है हर चीज़ को पढ़ने का क्या बनाइए, एक फॉर्मेट बनाइए, और जब वो फॉर्मेट को आप याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद करना या रिवीजन करना क्या होगा, आसान होगा। अगर आप कभी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए और मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि भाई हम क्या लिखें भाई, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें हम क्या लिखें। कई बार ऐसा होता है कि हम जब आंसर लिखते हैं तो आधा आंसर लिख लिया, उसके बाद लगता है नहीं यार शुरुआत मज़ेदार नहीं हुई, एक काम करो इसको फिर काट के अलग से कुछ लिख दो, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा विकल्प होता नहीं, स्पेस आपके पास है। तो अगर आपने पांच लाइनें लिखी और उसके बाद आपको लगता है कि प्रभावी नहीं है, तो फिर आपका आंसर, आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आपका आंसर खुद संतुष्ट नहीं होते कि मेरा आंसर अच्छा नहीं, और वहाँ पर सोचने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि लंबा पेपर होता है, तो आप वहाँ पर सोच भी नहीं सकते ज़्यादा। आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन के बाद आपने आंसर लिखना चालू किया, और अगर मैं ऐसा कहूं कि वहां पर दिमाग चलता ही नहीं है,
वहाँ पर क्या चलता है, पेन चलता है बस, है ना। वहाँ पर आपके जो दिमाग है वो कहाँ आ जाता है, आपके हाथ में आ जाता है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा दिमाग ने, उसने बोला हाँ भाई ये क्वेश्चन है, आपके हाथ ने लिखना चालू कर दिया। कैसे लिख दिया वो खुद ही पता नहीं चलेगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मेट जो है हर चीज़ का हम जब पढ़ेंगे तो एक मैं फॉर्मेट आपको बताते हुए चलूँगा। तो उस फॉर्मेट से क्या होता है, चीज़ें हमको याद भी रहती हैं और रिवीजन करने में भी क्या होती है, आपकी आसानी होती है। चलिए, जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो जैसे अगर हम देखें कि भाई हमको मध्य प्रदेश में जब भी भौतिक प्रदेश पढ़ना होगा तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि भाई उस भौतिक प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई ये जो आपका भौतिक प्रदेश है इसकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक। चलिए, इस भौतिक प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ पर है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। हम लोकेशन देखेंगे कि भाई मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल देख सकते हैं। अब क्षेत्रफल कुछ लोग होते हैं जो किलोमीटर में याद करते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं जो परसेंटेज में याद करते हैं, ठीक। जहाँ पर विकल्प है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ विकल्प नहीं है, जहाँ आपको लिखना, जैसे मुख्य परीक्षा वगैरह में, तो जब आप किलोमीटर में याद करते हैं तो लगभग क्या होता है, आपका आंसर गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और कई बार यही ओवर स्मार्टनेस हमको क्या करती है भाई, हमारे नंबर कटवा देती है। क्योंकि देखो दो चीज़ें होती हैं पेपर में, एक तो नंबर लाना और दूसरा नंबर बचाना, ठीक। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए कि पहले 3 नंबर के जो सवाल होते थे, अगर मान लो आपको आ गया कि भारत कब आज़ाद हुआ, ठीक। अब मुझे इतना पता है कि 1947 में हुआ है, मुझे महीना और डेट याद नहीं आ रही, 26 जनवरी को हुआ है या 15 अगस्त को हुआ है, लेकिन ईयर मुझे पता है कितना है भाई, 1947 है। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत कब आज़ाद हुआ है, भाई मैं लिख के आ गया 1947। क्या आंसर गलत है, नहीं। हो सकता है मुझे पूरे 3 नंबर ना मिले, लेकिन हो सकता है आधा नंबर मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए, संभव है ये चीज़, पर मेरा आंसर गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं तो भी लिखना चाहूँ, मैंने लिख दिया कि भाई आपका जो है वो 26 जनवरी 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, अब मैंने 3 शब्द लिखे, 3 में से मेरा 1 आंसर सही है, सही है ना 1947, लेकिन ये पूरा आंसर मैंने लिख दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब अगर मुझे कन्फ्यूज़न था, मैं ये नहीं लिखता तो मुझे आधे नंबर मिलने की संभावना होती। अब मान लो मुझे भाई केवल महीना याद है, महीना और जो है वो ईयर याद है, तो मैंने लिख दिया क्या कि भाई अगस्त 1947 में भारत देश क्या हुआ, आपका आज़ाद हुआ, भाई नहीं मिलेगा, 1 नंबर तो मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं डेट जो है वो 15 की जगह 16 लिख दूं, पूरा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। और कई बार क्या होता है वो रॉन्ग, आपका लाल निशान क्या करता है कि भाई कॉपी चेक करने वाले की मेंटलिटी को चेंज कर देता है। शुरुआत में अगर उसने देखा कि नहीं भाई आपने जो है वो गलत लिखने का प्रयास किया या आप घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वैसा परसेप्शन आपकी पूरी कॉपी के लिए बन जाता है ना। और शुरुआत में अगर आपको अच्छे नंबर मिल गए तो वो ये मान के चलता है, क्योंकि समझिएगा वो लोग एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे आपका भाई, एक ही पेपर की मैं 10 कॉपी आपको लाके दे दूँ ना, 2 कॉपी अब की आपको जोश होगी कि यार हम कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद भी आप 3-4 कॉपी चेक करने के बाद क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे हाँ ठीक है इतना लिखा, ठीक है एक काम करो, आपने उसे कुछ आंसर पढ़े और उसके हिसाब से आपने क्या कर दी, एवरेज मार्किंग कर दी। तो भाई वहाँ तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो तो बुजुर्ग हैं, है ना, पता चले आपने छोटा छोटा लिखा अब उनको दिख ही नहीं रहा। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जितनी मेहनत उनको आपकी कॉपी पढ़ने में करनी पड़ेगी उतने नंबर आपके क्या होंगे, कम होंगे। कई लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज जो है वो ऐसी लिखते हैं कि भाई हाँ लगे कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, है ना, और लगे कि नहीं मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, बिल्कुल ऐसी क्लिष्ट लैंग्वेज। अब एक चीज़ समझिए भाई, आप कोई साहित्य तो लिख नहीं रहे,
कोई साहित्य लिख रहे हो क्या, कोई उपन्यास आप लिख रहे हो? नहीं। क्या आप वहाँ पर जाकर समझाने वाले हैं कि देखिए सर मैंने कॉपी में ये लिखा है, मेरा मतलब ये था? क्या समझाने वाले हैं? नहीं। वहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं ये कौन बता रहा है? आपकी कॉपी बता रही है। और कॉपी में जितने आसान भाषा में आप लिखेंगे उतने ही नंबर आपको अच्छे मिलने की संभावना रहेगी। और ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं खुद करता हूँ कि भाई अब ऐसा नहीं कि आपको मर्यादा, हाँ भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप कठिन शब्द लिखें। आप सरल शब्दों में भी अपना आंसर लिख सकते हैं जिससे उसको पढ़कर आसानी से आपकी बात क्या है वो समझ में आ जाए ना। तो कई चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है, केवल पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है। आप मान के चलिए कि तुम भाई सबसे होनहार स्टूडेंट हो क्लास का, तुमको सब कुछ आता है, लेकिन उस 2 घंटे जब तुम्हारा एग्जाम हो रहा है तब तुम्हारा 2 घंटे दिमाग कहीं और है, तो क्या तुम बेहतर कर पाओगे? नहीं। अब तुम्हारी साल भर की मेहनत किस पर टिकी हुई है? वो 2 घंटे पर टिकी हुई है। उस 2 घंटे 3 घंटे का यूटिलाइज अगर आपने जहाँ पर बहुत अच्छे से कर लिया तो वहाँ पर आप क्या होगा कि भाई आसानी से निकल जाएंगे। क्यों कहते हैं कि पेपर में टेंशन नहीं मिलो भाई, आप बढ़िया एक रात पहले सो, क्योंकि आपने माइंड को आप रिलैक्स रखिए, और माइंड को आप रिलैक्स रखेंगे सो क्या होता है कि आपको आंसर याद होते हैं, है ना। हम लोग के साथ एक अजीब बीमारी होती है कि साल भर हम पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं होता। किसको ऐसी बीमारी? कितने लोगों को, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद ही नहीं होता, है ना। अभी याद किया तुरंत भूल गए। स्टूडेंट का दिमाग सबसे तेज होता है एग्जाम हॉल के बाहर, है ना। वो 2-4 फर्रे लेके जाएगा साथ में पढ़ने के लिए, किताब लेके जाएगा और एग्जाम हॉल के बाहर फट फट पलटेगा, और बिल्कुल जैसे स्कैन कर रहा हो, रोबोट हो गया, सब चीज़ उसको याद हो जाती है। और एक मिनट के लिए मन में आता है यार जब मैं आखिरी 10 मिनट में इतना अच्छा पढ़ सकता हूँ, तो अगर मैं साल भर पढ़ता तो क्या होता, समझ रहे। फिर एग्जाम हॉल के अंदर जाएगा तो वहाँ पर वो गजनी बन जाता, तो कुछ भी याद नहीं रहता, है ना, क्या पढ़ा था। हो सकता है अगर उसका नाम ही आ जाए लिखने के, तुम्हारा निकनेम क्या, तो वो वही भूल जाए, प्रेशर इतना जनरेट कर लेता दिमाग में। और फिर वो बुद्धि वापस कब आती है? एग्जाम हॉल के बाहर। आपने एग्जाम में टिक कर दिया, जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर पेपर देखो, अरे यार इसका तो ये आंसर था, मैंने ये लगा दिया, बताओ मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, चाहे वो कॉलेज की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना। चलिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई हमको जो है वो क्या है कि पेपर केवल पढ़ने से नहीं निकलता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो डिपेंड करती, पढ़ना केवल 50% 60% में वेटेज मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपने अपने पढ़े हुए का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत एग्ज़ाम निकालने में होगी। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप रिटर्न एग्जाम देते हैं तब वहाँ पर हमको नंबर लाने के साथ साथ नंबर बचाने का प्रयास भी करना होता है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका पहला हो गया स्थिति, दूसरा हो गया क्षेत्रफल, तीसरा हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अगर मालवा का पठार बना है तो मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, जब आप उसका निर्माण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और वहाँ की मिट्टी में मिनरल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा तो कौन सा पाया जाएगा, मिट्टी कैसी पाई जाएगी, उपजाऊ पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी, सारी चीज़ें किससे संबंधित हो जाएंगी आपकी निर्माण से। और जब मिट्टी आपको पता होगी कि भाई जैसे मान के चलिए मालवा, मालवा में आपने पढ़ लिया कि भाई दक्कन ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है लावा का मैदान, और लावा के मैदान से अगर मालवा का पठार बना हुआ है तो यहाँ पर काली मिट्टी मिलेगी, और काली मिट्टी जो है वो आपका लगभग सभी फसलों के लिए क्या होती है, अच्छी होती है ना, लेकिन कपास हो गया मेनली, कपास सोयाबीन ये क्या होते हैं आपके काली मिट्टी में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर फसलें प्रमुख रूप से क्या होंगी आपका, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया। और फिर जब इंडस्ट्री लगेगी तो भाई इंडस्ट्री वही लगेंगी जहाँ पर रॉ मटेरियल क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो। तो आप देखेंगे मालवा क्षेत्र में सोयाबीन से संबंधित इंडस्ट्री जो है, सोयाबीन के बिस्किट, सोयाबीन ऑयल की इंडस्ट्री ज़्यादा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है आपका ज़्यादा, हमने सुना है ना इंदौर में कपड़े सस्ते मिलते हैं, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पूरा टेक्सटाइल का क्या है भाई, वो आपका सेंटर है। और जब यहाँ पर आपका भाई आप समझ सकते हैं कि जब ये चीज़ें होंगी तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, अच्छी होगी,
या हम कह सकते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था आपका कृषि आधारित होगी, और जब कृषि अच्छी है तो उद्योग भी अच्छे होंगे, और उद्योग अच्छे होंगे तो यहाँ की जो जीवन स्तर है वो क्या होगा, आपका ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो कहाँ से निकाल सकते हैं, जोड़कर निर्माण से। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें चौथा क्या हो जाएगा, चौथा अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें मिट्टी के बाद यहाँ पर हमको कौन कौन से खनिज देखने को मिलेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि सभी जगह खनिज देखने को मिले, लेकिन अगर खनिज है तो कौन से देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र की सीमाएं जो है वो किस किस से लग रही हैं, सीमाएं मतलब अगर देखें तो भौतिक सीमाएं, जैसे हमने देखा कि मालवा के पठार की आपका जो है पूर्व में क्या हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार, तो आप क्या देख सकते हैं इसकी सीमाएं वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद भाई मालवा का पठार है तो कोई नदियाँ बहती होंगी यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब समझो जितने टॉपिक आपके एमपी के हो सकते हैं सारे टॉपिक आप यहाँ पढ़ सकते हो, मिट्टी पढ़ सकते हो, नदियाँ पढ़ सकते हो, खनिज पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या पढ़ लेंगे, और देख लेंगे कि भाई यहाँ पर अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये देख लेंगे। इसके बाद आप और आगे पढ़ेंगे तो भाई यहाँ पर आप जो है इसकी जलवायु वगैरह भी देख सकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु हमको मिलती है, तापमान कैसा रहता है यहाँ का। इसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख फसल होती है, कौन कौन से आपकी कृषि से संबंधित आपकी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं भाई, उद्योग देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर है, उद्योग में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन से औद्योगिक केंद्र यहाँ पर है। तो जितने भी मध्य प्रदेश के टॉपिक हो सकते हैं आप सारी चीज़ें क्या देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं भाई, पर्यटन देख सकते हैं कि यहाँ का जो पर्यटन है वो कैसा है, तो पर्यटन भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो पर्यटन वाला मामला भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर इस क्षेत्र में कुछ विशेष है, जैसे मालवा की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि भाई मालवा की गंगा किसको कहा जाता है, शिप्रा को कहा जाता है। तो अगर इनसे संबंधित अगर हम बात करें, कुछ आपके विशेष बिंदु हैं तो आप उन विशेष बिंदु को भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल रीजन है तो उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था के रूप में महत्व हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से महत्व हो। ठीक, कुछ ना कुछ महत्व होगा, और किसी भी क्षेत्र की कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, है ना। तो किसी भी क्षेत्र की क्या होंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। अब ये एरिया जो आपका महत्व के बाद से अगर हम बात करें तो पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्रकार की समस्या आपकी, इस प्रकार की प्रश्न बनते हैं कि भाई मालवा का जो है वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, या मालवा के पठार से संबंधित या मालवा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी, और जब समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी होगा। आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछा किस क्षेत्र से, तो पूछेंगे भाई क्या क्या समस्या है वहाँ की बताइए ज़रा, आप अधिकारी बनेंगे तो कैसे समाधान करेंगे उनका। तो कहीं ना कहीं से हमको पूरा एग्ज़ाम साथ में देखते हुए चलना है, तो हमको लास्ट स्टेप तक देखना है कि भाई क्या पूछा जा सकता है क्या पूछा नहीं जा सकता। समस्या हो गई तो क्या होगा भाई, आपका कुछ समाधान भी इसका होगा, तो समस्या और समाधान हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं, संस्कृति ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी जनजाति यहाँ पर रहती है, कौन सी जाति यहाँ पर रहती है, कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, ये सब हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका एमपी के जो आपके अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक ब्रीफ के तौर पर मैंने बताया कि जब आप किसी फिजिकल रीजन को पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको ये याद है कि भाई अगर कोई फिजिकल रीज़न हमको कभी लिखने के लिए आता है, या मान लो आपने केवल ये फॉर्मेट याद कर लिया, तो किसी भी फिजिकल रीज़न को रिवाइज़ करना आपको आसान होगा, क्योंकि सभी में आपको लगभग यही चीज़ें पढ़नी है। तो आपने इस फॉर्मेट को याद कर लिया कि चाहे आप बुंदेलखंड पढ़ें, चाहे आप रीवा पढ़ें, चाहे आप मध्य भारत पढ़ें, चाहे आप नर्मदा घाटी पढ़ें, आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, पहली चीज़ है कहाँ पर, कितना एरिया है, कहाँ इसकी सीमाएं कौन कौन बना रहा है, इसका निर्माण कैसा हुआ है, यहाँ पर मिट्टी कैसी है, है ना, यहाँ पर कौन कौन से खनिज होते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है, यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें जलवायु कैसी मिलती है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से, कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं, ये भी ऐड कर लीजिएगा, है ना, कि भाई अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिलों में अगर आपका ये क्षेत्र फैला हुआ है, या इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। और सिंपल बात है कि अगर आपको मध्य प्रदेश के मैप याद है तो आप
क्या बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो कौन कौन से आपके ज़िले आएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो हमको लगभग ये सारी चीज़ें देखते हुए चलना है हर आपके फिजिकल मैप में। ये बात समझ में आई? तो हमको पहले क्या याद करना है, ये एक फॉर्मेट याद करना है। जब नदियाँ पढ़ेंगे तब नदियों का फॉर्मेट देखेंगे, जब संस्कृति पढ़ेंगे तब संस्कृति का फॉर्मेट देखेंगे, जब जनजातियाँ पढ़ेंगे तब उसका फॉर्मेट देखेंगे। ठीक, चलिए। तो ये फॉर्मेट हमको सबसे पहले जो है वो आपका याद करना है। ठीक, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला आपका जो अगर हम बात करें फिजिकल रीजन है वो कौन सा हो जाएगा, आपका मध्य उच्च प्रदेश हो जाएगा। अब मध्य उच्च प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं, मध्य भारत की, मालवा की, नर्मदा सोन घाटी की, बुंदेलखंड के पठार की और रीवा पन्ना के पठार की। ठीक, तो अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है या जो सेंट्रल हाईलैंड है ये किस किस से बना हुआ है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से। जैसे बुंदेलखंड वाले आप क्षेत्र में जाएंगे, बुंदेलखंड और जो आपका मध्य भारत वाला क्षेत्र है यहाँ पर आर्कियन चट्टानों की क्या है, आपकी अधिकता है। सबसे पहले आपकी चट्टानें बनी थी कौन सी, आर्कियन चट्टान। इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तब आप एक क्रम पढ़ेंगे कि सबसे पहले बनी आर्कियन क्रम की चट्टानें जिसमें कोई भी खनिज नहीं था, तो क्या मिलते हैं, केवल हमको यहाँ से पत्थर मिलते हैं, ग्रेनाइट पत्थर हो गया, नीस पत्थर हो गया। उसके बाद हमने देखा धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या था भाई आपका, अगर हम बात करें तो जो धातु होती हैं वो उसमें पाई जाती थी, धात्विक रूप से क्या था आपका, इम्पॉर्टेंट था। तीसरा अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका जो है वो कौन सा आ जाएगा भाई, ना कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आ जाएंगी। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जहाँ होंगी वहाँ पर हमको लगभग जो है वो हीरा देखने को मिलेगा। विंध्यन क्रम की चट्टानें जहाँ आएंगी वहाँ हमको हीरा, संगमरमर और बालू देखने को मिलेगी। दक्कन ट्रैप जहाँ पर होगा वहाँ हमको लावा देखने को मिलेगा, वहाँ से काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और जहाँ गोंडवाना होगा वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमको कोयला देखने को मिलेगा। तो यहाँ का निर्माण ध्यान रखिए किस किस से हुआ है, यहाँ का निर्माण जो हुआ है वो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। मध्य भारत मेनली बना है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों से और जल के निक्षेप से, नदियों के निक्षेप से। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अगर हम बात करें तो ये भी हमको देखने को मिलती है नर्मदा घाटी के आसपास। विंध्यन की जो आपकी चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र हो गया, है ना, रीवा पन्ना वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और इसके बाद दक्कन ट्रैप हमको मालवा में देखने को मिलता है। ठीक, फिर अगर हम बात करें, अगर आप उस मैप को देखेंगे जहाँ पर हमने ये 5 जो है वो फिजिकल रीजंस को लोकेट किया था, तो वो एक तरीके से ट्राइंगल आपका बना रहा। ठीक, तो इसका शेप कैसा है भाई, ध्यान रखिएगा आपका ट्रायंगुलर है या त्रिभुजाकार है और इसको हमने 5 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ओवरऑल बता दी। अब आते हैं आपका पहला फिजिकल रीजन जिसका नाम क्या है भाई, मालवा का पठार। ठीक, चलिए, तो मालवा के पठार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में दिया हुआ है ना, अतिरिक्त आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है बताते हुए चलूँगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम स्थिति की बात करें तो आपने जो मैप बनाया था, हमने फिजिकल मैप बनाया है, उसमें आप देखेंगे कि जो मालवा का पठार है भाई साहब वो आपको कहाँ दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको मध्य प्रदेश के पश्चिम में। तो इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश के पश्चिम। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा ये इसका क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, क्योंकि भाई अगर हम देखें तो किसी ना किसी अक्षांश से लेकर किसी ना किसी अक्षांश तक फैला होगा और इसका कुछ ना कुछ देशांतरी विस्तार होगा। तो भाई आपका लगभग 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसको आप याद ना भी रखें और अगर आपने केवल मैप याद रखा है तो भी लगभग आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई कर्क रेखा इसके बीच से गुजर रही है, मतलब कर्क रेखा के आसपास इसकी क्या होगी, आपकी उपस्थिति होगी। और भाई सबसे पश्चिम से आपका स्टार्ट हो रहा है तो ये भी ध्यान रखिएगा 74 डिग्री 20 मिनट आपका जो है पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका फैला हुआ। ठीक, चलिए, क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने परसेंट पर फैला हुआ है भैया, आपका 28% भाग पर फैला हुआ है, 28% पर फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके निर्माण की। ठीक, कुछ चीजें बता रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें, मैंने बताया कि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप चट्टानों के बनने का क्रम पढ़ेंगे
और चट्टानों के बनने के क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगी आर्कियन क्रम की चट्टानें, और आर्कियन क्रम की चट्टानों में अगर हम बात करें तो हमको केवल पत्थर मिलेंगे, कुछ खास हमको इम्पोर्टेंट वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कौन सी हो जाएंगी, आप लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वो आपकी होंगी। चलिए, तो ध्यान रखना सबसे पहले अगर हम बात करें, मुझे कहीं स्पेस मिलेगा तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपकी जो चट्टानें बनी हैं वो कौन सी बनी है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े। ठीक, सबसे पहले जो आई है वो कौन सी भाई, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको जो है वो प्रस्तर देखने को मिलेंगे या पत्थर स्टोन देखने को मिलेगा, कोई खनिज हमको मेन रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। खासकर अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट वगैरह की चट्टानें, हमको ग्रेनाइट हो गया, इसका रूपांतरित रूप आपका नीस हो गया, ये सब देखने को हमको मिलती हैं। ठीक, इसके बाद कौन सी चट्टान बनी, तो भाई इसके बाद आई आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और भाई धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो आपका आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं, इकोनॉमिकल व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी चट्टानें होती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुमूल्य धातुएँ पाई जाती हैं। मैं खनिज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवाश्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, धातुएँ पाई जाती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाई जाएगी भाई, आपकी धातुएँ पाई जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं किसी क्षेत्र में अगर हमको धातु मिल रही है तो वहाँ पर किस प्रकार की चट्टान होने की संभावना है, धारवाड़ क्रम की चट्टान होने की संभावना है। बालाघाट में क्या मिलता है भाई, तांबा मिलता है। तांबा क्या है, एक धातु है। अगर मैं पूछूं वहाँ पर किस प्रकार की चट्टान हो सकती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान हो सकती है, क्योंकि भाई धातुएँ हमको कहाँ मिल रही हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका एक चट्टानों का क्रम, ये समझिएगा ये एक टाइम पीरियड है। धारवाड़ कर्नाटक में एक स्थान है, इसलिए हमने नाम क्या रख दिया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, मतलब जिस समय में धारवाड़ की चट्टानें बनी हैं उस समय पर जो जो चट्टानें बनी हैं यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसी कुड़प्पा आपका आंध्र प्रदेश में है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हमने कहा, और जहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें होंगी वहाँ पर आपको हीरा मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। मतलब हीरा कहाँ मिलता है आपका, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मिलता है। मतलब जब कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी, तब जो भी चट्टानें बन रही होंगी वहाँ पर क्या मिलेगा, हमको हीरा देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो भाई आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें, मतलब जब आपका विंध्याचल बन रहा था तब जो आपकी चट्टानें बनी, यहाँ पर आपको संगमरमर देखने को मिलेगा, है ना, संगमरमर देखने को मिलेगा। और संगमरमर किससे बना हुआ है, तो भाई आपका चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर का रूप ही क्या बन जाता है आपका, संगमरमर। तो चूना पत्थर देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, और यहीं पर आपको सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं आपका बालू पत्थर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहीं पर आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, या अगर हम बात करें तो बालू पत्थर देखने को मिलेगा। बालू पत्थर का मतलब क्या हो गया आपका, रेत, है ना। आप पढ़ेंगे कि जो नर्मदा सोन घाटी, जब आप पढ़ेंगे तो नर्मदा सोन घाटी में आप पढ़ेंगे कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ, इसलिए आप देखेंगे कि भाई वहाँ पर बालू आपका मिलती है नर्मदा में ज़्यादा। नर्मदा की रेत फेमस है, नर्मदा में अवैध उत्खनन आप देखते हैं रेतों का। ठीक, जबलपुर में क्या देखने को मिलता है हमको, संगमरमर देखने को मिलता है। कटनी पास में ही वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, चूना देखने को मिल रहा है ना, संगमरमर। स्लिमनाबाद आपका जो एरिया है वहाँ पर क्या है भाई, मार्बल सिटी हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्बल देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको पता है कि किसी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है तो आप बता सकते हैं वहाँ पर कौन सा खनिज हमको मिल सकता है, या आपको खनिज पता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई एक होता है आपका दक्कन ट्रैप, है ना, भारत की बात करें। ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप का मतलब होता है लावा का मैदान। ठीक, तो ट्रैप का मतलब क्या होता है आपके, लावा का मैदान, और दक्कन ट्रैप का मतलब हो गया ऐसा लावा का मैदान जो कहाँ पर है आपका, दक्कन क्षेत्र में। ठीक, और ध्यान रखिएगा लावा ही किस में आपका कन्वर्ट हो जाता है आगे चलकर, काली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पर लावा होगा वहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलने की संभावना होगी, काली मिट्टी मिलने की संभावना होगी। तो अब मालवा में अगर काली मिट्टी मिल रही है तो हम क्या बता सकते हैं कि भाई मालवा का निर्माण किससे हुआ है आपका, लावा से हुआ है। इसके बाद अगला ध्यान रखिएगा, अगला होता है आपका गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड में क्या है भाई, ध्यान रखिएगा गोंडवाना लैंड में आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, कोयला। मतलब
जहां पर अगर हम बात करें कोयला मिल रहा है वहां पर कौन से क्रम की चट्टाने होंगी, गोंडवाना क्रम की चट्टाने होंगी। अगर मैं पूछूं भाई सिंगरौली वाले क्षेत्र में किस क्रम की चट्टान हो सकती है तो गोंडवाना क्रम की चट्टान, क्योंकि लगभग 98% कोयला जो है वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, बाकी 2% कोयला आपका टर्शरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी कोयला मिलेगा वहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो हमको पहले तो ये 6 चीज़ें याद रखनी कि कहाँ पर कौन से क्रम की चट्टान मिलेगी, तो हमको वहाँ पर क्या मिलने की संभावना हो सकती है, या कहीं पर अगर हमें कोई खनिज मिल रहा है तो वहाँ पर किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ होगा, किस टाइम पर उसका निर्माण हुआ होगा, ये हम गैस कर सके। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए तो ये 6 चीज़ें आप जो है ये ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं आपका जो है हम मालवा पर ही। अब मालवा में हम क्या देख रहे हैं, देखो अब यहाँ से आपको पूरा लिंक हो जाएगा। हमने देखा कि भाई मालवा का क्षेत्रफल हमने देख लिया, हमने देखा कि भाई इसका निर्माण किससे हुआ है, तो भाई आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। और दक्कन ट्रैप का मतलब क्या था भाई, हमने कहा लावा है ना, तो भाई दक्कन ट्रैप की लावा से हुआ है, ठीक। और भाई बेसाल्ट चट्टाने, बेसाल्ट क्या है आपका, आयरन का एक पार्ट है, तो भाई बेसाल्ट इसकी जो लावा था इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा थी, बेसाल्ट की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी, इसलिए हमने क्या कहा कि भाई आपका बेसाल्टिक चट्टानों से, दक्कन ट्रैप की जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। और ट्रैप होता है लावा का मैदान, इसलिए यहाँ पर मिट्टी कैसी मिलेगी भाई, ध्यान रखिएगा काली मिट्टी देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें तो कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो अगर आपको मध्य प्रदेश का नक्शा याद है तो आप क्या बता सकते हैं कि भाई कौन कौन से ज़िले आते हैं। इंदौर आएगा, उज्जैन आ जाएगा, देवास आ जाएगा, आगर मालवा रतलाम धार झाबुआ भोपाल सीहोर राजगढ़ शाहजहाँपुर गुना विदिशा, ये सारे ज़िले जो हैं वो क्या हो जाएंगे भाई आपके इसमें आ जाएंगे, अगर आपको जो है वो याद है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई फिर हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो जलवायु कैसी है ये देख लेते हैं यहाँ की, ठीक। चलिए तो भाई अगर हम जलवायु की बात करें, अच्छा यहाँ पर एक स्लाइड है नहीं मेरे पास, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक। चलो अगर हम यहाँ पर जलवायु की बात करें तो भाई यहाँ पर मैंने मिट्टी वाला क्षेत्र ध्यान रखिएगा, ठीक। मिट्टी क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होती, होती है क्या भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि आप रोड पर चल रहे हो, रोड पर आपको गर्म लगता है तो आप कहाँ उतर जाते हैं, मिट्टी पर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिट्टी आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होती। अगर आप पत्थर के ऊपर खड़े हैं और मिट्टी के ऊपर खड़े हैं तो गर्मी ज़्यादा कहाँ पर होगी आपकी, पत्थर पर होगा। और भाई किरचॉफ का नियम कहता है कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होगी, उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। तो आप देखेंगे कि भाई घरों में ठंडी के समय पर टाइल्स बहुत ठंडी होती है ना, जबकि मिट्टी भी ठंडी नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा ये आपका एक ऐसा क्षेत्र है, मिट्टी वाला क्षेत्र है भाई, जो ना आपका ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ सम जलवायु अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपकी, सम जलवायु पाई जाएगी। सम जलवायु का मतलब क्या हो गया कि भाई ग्रीष्म ऋतु में कैसी गर्मी पड़ेगी, यहाँ पर साधारण गर्मी पड़ेगी, और शीतकाल में क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पर आपका जो है वो सामान्य ठंडी पड़ेगी। तो यहाँ का मौसम कैसा रहेगा आपका, सामान्य रहेगा। जब जलवायु पढ़ेंगे तो मैं इसका कारण और डिटेल में बताऊंगा कि क्यों यहाँ का मौसम सामान्य रहेगा। अभी केवल इतना ध्यान रखिएगा यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आपकी टेम्परेट क्लाइमेट है या सम जलवायु है या सम क्लाइमेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई चीनी यात्री थे आपके फायान, जिसने क्या कहा था, मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा, सबसे बेस्ट क्लाइमेट कहा, है ना। उसने कहा कि भाई मध्य भारत या जो आपका मध्य भारत है यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, बहुत अच्छी है, और यहाँ के लोग हमेशा क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, है ना। हो सकता है तुम लोग से मिल के गया हो, है ना। तो उसने क्या कहा कि यहाँ के लोग बढ़िया हैं, बढ़िया क्या रहते हैं भाई, आपके प्रसन्न रहते हैं। चलिए इसके बाद भाई यहाँ पर वर्षा की बात करें तो अभी केवल ये ध्यान रखिएगा कि 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल होता है। और अभी केवल इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
या मैं सीधे कहूं तो आप जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से कहां जाएंगे उत्तर पश्चिम की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जल का जो आपका रेनफॉल जो है या वर्षा जो है वो क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। जब जलवायु पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो भाई ये क्षेत्र कैसा है आपका, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए आप देखेंगे मालवा क्षेत्र में या पश्चिमी मध्य प्रदेश में पानी की समस्या ज़्यादा है, जल की समस्या ज़्यादा है। इंदौर में आप देखेंगे जल संकट ज़्यादा है भोपाल की अपेक्षा, है ना। जैसे जैसे आप पश्चिम में जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है वो रेनफॉल क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। ठीक, चलिए अब देखिए कम आपका जो है वो पानी गिर रहा है तो यहाँ पर आपको जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे या शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। पर्णपाती या डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और कम पानी गिर रहा है इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इनको आपका ड्राई। ठीक, जहाँ ज़्यादा पानी गिरेगा वहाँ पर आर्द्र होगा। ठीक, या जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा वहाँ पर सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा या वन पढ़ाऊंगा तब ये भी डिटेल में बताऊंगा। देखो कहने को हम यहाँ पर एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ सकते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमको आगे पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वन किस प्रकार के मिलेंगे, शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जैसे बबूल वगैरह हो गया, तेंदुपत्ता वगैरह देखने को हो गया। ठीक, मिट्टी कैसा है भाई, यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलेगी और काली मिट्टी है तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, सोयाबीन है, कपास है, गेहूँ है, ज्वार है, है ना। इसके अलावा कुछ आपके जैसे मिर्ची वगैरह भी जो है सब्जी खरगोन वगैरह में आपका ज़्यादा होता है, अदरक वगैरह आपका होता है, मूंगफली वगैरह होती है, तो ये भी आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो भाई ध्यान रखिए यहाँ की प्रमुख दो नदियाँ, एक तो चंबल हो गई जो इंदौर से ही निकलती है, फिर मालवा के क्षेत्र में क्षिप्रा नदी बहती है उज्जैन के आसपास। तो इस क्षेत्र के जो आपको जिले याद है वहाँ पर जो जो नदी बहती है आप उनका भी उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं, पार्वती नदी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें माही नदी धार के आसपास बहती है, धार से आपका निकलती है फिर राजस्थान जाती है, तो भाई माही नदी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें खान नदी इंदौर में बहती है ना, मैं जब इंदौर में था तो मैं डेली जो है वो इंदिरा गांधी जू के ऊपर से निकलता था और नीचे से एक नाला बहता था तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी नदी है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। एक बार पता नहीं मैंने मैप खोला और मैप में देखा तो वो खान नदी थी और उस नदी के बारे में अभी तो उसको साफ करने का अभियान चल रहा है, वरना उस नदी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि खान नदी एक ऐसी नदी है जिसमें पानी छोड़कर सब कुछ बहता है ना, और वो नदी जाकर मिलती थी छिपरा से और फिर छिपरा में हम क्या करते थे, जाकर नहाते थे और अपने आप को पवित्र बनाते थे, है ना। तो हालांकि उसको साफ करने का काम चल रहा है। चलिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, सर्वोच्च चोटी कई बार पूछी गई है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है भाई, आपकी सिगार पीक। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मालवा की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा। ठीक, तो मालवा की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी भाई, आपकी सिगार की चोटी हो जाएगी और ये कहाँ पर है अगर हम बात करें तो भाई ये आपकी इंदौर में है। तो ध्यान रखिएगा सिगार की चोटी आपकी जो है ऊंचाई ध्यान रखना जरूर, कितनी है भाई आपका 881 मीटर। ठीक, फिट में नहीं है, मीटर में है। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, जाना पावा चोटी 854 मीटर, 854 मीटर। यहाँ से क्या निकलती है भाई, चंबल नदी निकलती है। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी कौन सी है, धजारी चोटी 810 मीटर क्या है भाई आपकी, इसकी हाइट है और ये तीनों कहाँ पर है भाई, इंदौर में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई ये जो आपका है इसमें विशेष या अन्य में कुछ बातें लिख लीजिएगा, बाकी इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। फिर विशेष में कुछ बात लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है भाई आपका, एक पीथमपुर है और पीथमपुर को क्या कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो भाई ध्यान रखिएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखना कि इसको क्या कहा जाता है अगर हम बात करें तो भाई डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है और डेट्रॉइट का मतलब क्या है भाई, ये आपका एक क्षेत्र है जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो भाई हमने क्या किया, ये पीथमपुर ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, वाहन उद्योग के लिए फेमस है, तो इसको हम क्या कहते हैं आपका, भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा इंदौर, इंदौर को क्या कहा जाता है, यहाँ पर मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक, इंदौर को अगर हम बात करें तो मिनी मुंबई हो गया, इंदौर को ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है, इसी को अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसी को अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई मालवा में आपकी जो है एक नदी है जिसका नाम क्या है, शिप्रा नदी। और भाई इस नदी को ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें शिप्रा नदी जो आपकी है इसको हम क्या कहते हैं भाई, मालवा की गंगा कहते हैं, ठीक। और मालवा की गंगा क्यों कहते हैं, पवित्रता के कारण नहीं कहते हैं, प्रदूषण के कारण कहते हैं, ठीक। फिर आप इसमें और भी जैसे पर्यटन आप जोड़ेंगे तो यहीं पर आप महाकालेश्वर का उल्लेख भी कर सकते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर आपका मालवा में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से आपका एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, शिप्रा नदी के किनारे है ना। और भी आप चीज़ें जो है बता सकते हैं, जैसे फायान वाला चीज़ भी आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं, है ना। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आपका और कल देखेंगे कि इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, इस क्षेत्र का प्रमुख महत्व क्या है और इस क्षेत्र में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और वो उद्योग क्यों हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। मेरा आज का काम था, आज थोड़ा समय इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई जो आपको आगे हर समय पढ़ते समय क्या आएंगी, काम में आएंगी, ठीक। तो बाकी फिर हम देखेंगे आपका कल। धन्यवाद।